बेगूसराय में एक बार फिर अपराधियों ने 50 रुपए के लिए बुजुर्ग आदमी को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिगरेट गुटखा के पैसे मांगने पर 4 से 5 अपराधियों ने दुकानदार के पैसे मांगने पर गोली चला दी। बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने महज 50 रुपए के लिए एक दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कैथमा गांव की है। पीड़ित दुकानदार की पहचान कैथमा निवासी भोला साह के रूप में की गई है। दुकानदार भोला साह ने आरोप लगाया है कि कैथमा निवासी बेगम्बा नामक अपराधी का दुकान में पहुंचा और सिगरेट तथा गुटखा लिया। जब भोला साह के द्वारा पैसे की मांग की गई तो उसने पैसा देने से साफ मना कर दिया, लेकिन भोला साह ने जब उधार देने से मना किया तो इसी से आक्रोशित होकर बेगम्बा ने भोला साह को गोली मारकर घायल कर दिया। हम दुकान पर अपना घर पर हैं, ये मेरा दादा जी हैं, हमसे हट कर आते हैं 1 किलोमीटर, इस अपना दुकान चलाते हैं। वो आया सामान लेने के लिए, तो बोला सामान ले लिया। कितने लोग थे? 3 लोग 4 लोग 5 लोग जो होगा। आया सामान ले लिया, उसके बाद गुटखा सिगरेट जो होगा सब ले लिया। उसके बाद ये पैसा मांगे दादा जी, बोला पैसा नहीं देबो, गोली खाए इधर। अच्छा, तो बस उसके बाद थोड़ा वक्त सुथन हुआ, खड़ा हुए, बस डायरेक्ट गोली मार दिया, बस तब तक भाग गया। क्या नाम हुआ इनका? इनका भोला साह। कहाँ घर हुआ? केतमा करपुरी नगर वार्ड 19। तो अपराधी क्या चीज से? ऐसे बुल्ले थे, बुल्ले थे, पिस्टल लेने आए थे, आया गुटखा मंगा नहीं दिए, उसको ले लिए। उसके बाद उधार बोला उधार लेंगे, तो ये बोले नहीं देंगे, तब कल के गोली खाएक छो, जब वक्त उत्थन कर ली गोली खाएक छे तेजे धाक छे, तो बोले भाग गए। ओकर बाद जलखिन खड़ा होलखिन, बस गोलिए चलाए देलखिन, गोली चला के बस भाग गए। के बजे घटना है? अभी तुरंत 6 बजे से, 6 बजे। क्या नाम हुआ आपका? मंचल। कौन है आप? उनका पोता।